हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 10 प्रचलित मुहावरे, यानी कि कुछ प्रचलित मुहावरे, और इसमें टॉप 10 हैं। अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। ओके, आइए हम इनको रीड करते हैं। ये सिर्फ मुहावरे ही नहीं है, मैंने इनके अर्थ भी लिखे हैं और इनको वाक्यों में प्रयोग भी करके दिया है, जिससे आपको बहुत ईजी होगा इनको याद करना, इनको समझना और इनको पेपर्स में अटैम्प्ट करना। ओके, तो आइए, फर्स्ट मुहावरा है आकाश पाताल एक करना, और इसका मीनिंग है बहुत परिश्रम करना, दैट मीन्स बहुत मेहनत करना। और इसको सेंटेंस में इसका वाक्य बनाया है, दिनेश ने प्रथम श्रेणी लाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ओके, तो क्या है हमारा इसका वाक्य, दिनेश ने प्रथम श्रेणी लाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। नंबर सेकंड मुहावरा है आग बबूला होना, और इसका मीनिंग है बहुत क्रोध करना, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। अब इसको मैंने वाक्य में प्रयोग किया है, विद्यार्थी के अनुचित बोलने पर प्राय अध्यापक आग बबूला हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा मुहावरा है अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल के घोड़े दौड़ाना, और इसका मीनिंग है किसी बात का हल ढूंढना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे वाक्य में बदल सकते हैं। देश की समस्याओं के बारे में नेता अकल के घोड़े दौड़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट है मुहावरा आपे से बाहर होना, और इसका मीनिंग है गुस्से से शुद्ध बुद्ध खो देना। और इसका सेंटेंस बनाया है, वाक्य बनाया है, दीपक के गाली देने पर मोहन आपे से बाहर हो गया। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया, उसने गुस्से से शुद्ध बुद्ध खो दी। हमारा फिफ्थ मुहावरा है, जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में मैं 10 मुहावरे लेके आई हूँ जो काफ़ी प्रचलित हैं, और अभी हम फिफ्थ मुहावरा पढ़ रहे हैं, आंखों में धूल झोंकना, दैट मीन्स धोखा देना। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो हम बोल सकते हैं कि उसने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, जैसे कि सेंटेंस में इसको यूज़ किया है, डाकू पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। छठा मुहावरा है आंखें दिखाना, और इसका मीनिंग है डराना, अध्यापक बच्चों को चुप कराने के लिए आंखें दिखाते हैं। दैट मीन्स डराते हैं थोड़ा सा कि सभी के सभी चुप कर जाओ वरना पनिशमेंट मिलेगी। नंबर सेवन है आंखें चुराना, दैट मीन्स नज़र बचाना, चोर आंखें चुरा कर भाग गए, चोर नज़र बचा कर भाग गए, जैसे ही मतलब हमारी आंख इधर से उधर हुई और वो जट से फुर्र हो गए। नंबर एट है आंखें बिछाना, और इसका मीनिंग है प्रेम से स्वागत करना, मतलब किसी को देखकर बहुत ही हार्दिक वे में, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही पोलाइट में स्वागत करना, किसी का वेलकम करना। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनाया है, जनता ने प्रधानमंत्री के आने पर आंखें बिछा दी, दैट मीन्स प्रधानमंत्री का स्वागत बड़े प्रेम से किया, और करें भी क्यों ना, मोदी जी हैं इतने अच्छे कि सभी जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। नंबर नाइन्थ है हमारा आंखों का तारा, दैट मीन्स बहुत प्यारा, तो इसका सेंटेंस में इस्तेमाल किया है, प्रत्येक पुत्र अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। आप यहाँ पे प्रत्येक बच्चा भी लिख सकते हैं या फिर किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और आस्तीन का सांप, ये हमारा 10th और लास्ट मुहावरा है, और इसका अर्थ है कपटी मित्र। कपटी मित्र मतलब ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त जो हमारा ही बुरा चाहे। ठीक है, तो आइए इसका सेंटेंस देखते हैं क्या बनाया है, कक्षा की शिकायत करने वाला लड़का सभी छात्रों के लिए आस्तीन का सांप है, कि सभी छात्र तो उसको अपना मित्र मानते हैं लेकिन उसने पूरी कक्षा की शिकायत कर दी जिसकी वजह से सबको पनिशमेंट मिली, तो वो कैसा दोस्त है, कपटी मित्र है, तो आस्तीन का सांप है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस मुहावरास, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। सो बाय बाय, हैव अ लवली डे।